सो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोनित HSSC में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर से जुड़ी हुई एक कोर नई अपडेट के साथ। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बात कर लेते हैं क्या क्या आज की हमारी इस वीडियो में होने वाला है। सबसे पहले आपका डाउट क्लियर होने वाला है कि पहले तीसरे पाँचवें सातवें नवें सेमेस्टर के एग्जाम आपके कब से स्टार्ट होने वाले हैं, क्या एग्जाम डेट होने वाली है उसकी बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे सेकेंड फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर के रीअपेयर के फॉर्म कब से आपके स्टार्ट होने वाले हैं। मेनली हमारा फोकस होगा सिक्स सेमेस्टर के रीअपेयर के फॉर्म कब निकलेंगे, और इसके अलावा बात करेंगे कि पहले तीसरे पांचवें सातवें सेमेस्टर के एग्जाम आपके कब से स्टार्ट होंगे और सेकंड फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर के रेगुलर रीअपेयर के आपके एग्जाम कब से स्टार्ट होने वाले हैं। तो रीअपेयर के फॉर्म अभी अप्लाई किए जा रहे हैं 5 अक्टूबर तक ₹500 लेट फीस के साथ। पहले तीसरे पांचवें सातवें और नवें सेमेस्टर के जो है फॉर्म फिल किए जाएंगे। उसके अलावा ₹1000 लेट फीस के साथ 20 अक्टूबर तक आपके रीअपेयर के फॉर्म चलने वाले हैं। तो भाई 20 अक्टूबर तक तो आपके एग्जाम होने वाले है नहीं, एग्जाम आपके जाके होंगे नवंबर में। अगर डेट की बात करें तो यहां पे डेट आपका मेंशन है, जो आपका शेड्यूल होने वाला है, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन टू बी कंडक्ट ड्यूरिंग द ईयर 2023-24, उसमें आपका बता रखा है कि जो भी आपके दिसंबर में एग्जाम होने हैं ओल्ड सेमेस्टर के, उनकी आपकी डेट होने वाली है 25 नवंबर। यानी 25 नवंबर की बात करें तो पिछली बार क्या हुआ था कि आपका जो टेंटेटिव डेट दे रखी थी, जैसे 25 नवंबर दे रखी, तो उसमें जो टेंटेटिव डेट थी उससे एक हफ्ते पहले आपके एग्जाम स्टार्ट हो गए थे। तो आप तैयार रहें 15 नवंबर से ही कि 15 नवंबर के बाद कभी भी आपके एग्जाम है जो लिए जा सकते हैं। ये आपके फॉर्म हो गए, ये आपके फॉर्म चले हुए रीअपेयर के। तो ये आपके विदाउट लेट फीस है, ये आपके ₹500 लेट फीस के साथ है, ये आपके ₹1000 लेट फीस के साथ है। तो आपके जो भी एग्जाम होने हैं UGPG BA BSc BCOM BCA BCOM, जो आपके MMSc MCOM है, उसके अलावा आपका बी फार्मेसी LLB हो गया, LLM हो गया, MCOM हो गया, BE BTech हो गया, MCA हो गया, या फिर PGDCA हो गया, तो आपके जो भी एग्जाम होने हैं उनकी टेंटेटिव डेट आपकी 25 नवंबर 2023 आई है। तो आप तैयारी शुरू कर दे 15 नवंबर की ही, 15 नवंबर के बाद कभी भी आपके एग्जाम लिए जा सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि भाई मोटी मोटी पहले तीसरे पांचवें सातवें और नवें सेमेस्टर के एग्जाम आपके कब से लिए जाएंगे। अब बात करें कि दूसरे चौथे और छठे सेमेस्टर के रीअपेयर के फॉर्म कब निकलेंगे और उनके एग्जाम कब तक लिए जाएंगे। तो इसकी बात करें तो थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं इसी PDF को। यहाँ पे बता रखा है कि जो भी इवन सेमेस्टर के एग्जाम आपके कंडक्ट करवाए जाने हैं उनकी आपकी टेंटेटिव डेट होने वाली है 1 मई 2024। यानी जो आपके एग्जाम लिए जाएंगे सेकंड, फोर्थ, सिक्स सेमेस्टर के रेगुलर रीअपेयर के, फिर एट्थ एंड टेंथ सेमेस्टर के, तो जो आपके ये एग्जाम होने वाली हैं ये आपके होने वाली हैं 1 मई 2024 से स्टार्ट। यानी भाई आप तैयारी शुरू कर दीजिए 20 अप्रैल की। 20 अप्रैल के बाद आपके कभी भी एग्जाम स्टार्ट हो सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, और मार्च के बाद अप्रैल में आपके कभी भी एग्जाम की तैयारी आप प्रिपरेशन अपनी कंप्लीट रखें। और बात करें रीअपेयर के फॉर्म की, तो जो भी सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर के रीअपेयर के फॉर्म है ये आपके 21-2-2024 लास्ट डेट होने वाली है। यानी आपके फरवरी में ही रीअपेयर के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे फिल करने। विदाउट लेट फीस आप 21 फरवरी तक अप्लाई कर पाओगे, उसके बाद लेट फीस के साथ ₹500 आप अप्लाई कर पाओगे 5-3-2024 तक, उसके बाद ₹1000 लेट फीस के साथ 14-3-2024 तक आप अप्लाई कर पाओगे। तो 21 अगर फरवरी की बात करें तो 1 फरवरी के आसपास आपके रीअपेयर के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 1 मई के आसपास आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। सारे डेट ये नीचे वाली टेंटेटिव है, ऊपर वाली को आप फिक्स मान सकते हैं। तो 1 मई से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, 1 फरवरी से आपके रीअपेयर के फॉर्म निकलेंगे सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर के। सो ये सब इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। अगर वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल है लाइक करके जाए, कमेंट करके जाए, और अपना चैनल जो है आप सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो अपडेट टाइम से मिल सके। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।